एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। सो ये आपका क्रैश कोर्स है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये क्रैश कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें एसएससी के सारे 700 कंपाइलेशन जो है मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज़ यशिका एंड यू कैन फॉलो मी एट दिस लिंक एट अनअकैडमी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये आपके सारे जो एसएससी एग्जामिनेशन में टायर 1 टायर 2 में आए हुए हैं एंड ये आपका प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनको। सो आज का आपका जो सेशन है वो चलता है। तो देखिए, टू हैव समथिंग अप ऑन वन स्लीव्स, अब इसका मीनिंग क्या होता है? हैविंग अ सीक्रेट प्लान, यानी कि आपका एक सीक्रेट प्लान है। आपने देखा होगा कि जादूगर क्या करता है, अपनी स्लीव्स में कुछ छुपा के रखता है, ठीक है, वो निकालता ही रहता है, ठीक है। तो वहीं से ये इडियम्स को लिया गया। तो इसका मीनिंग आपको पता है कि आपके पास कोई सीक्रेट प्लान होना जिसके बारे में किसी को ना पता हो। टू टेक टू वन सील्स बहुत ही अच्छा आइडियम है। इसका मीनिंग होता है डिफिकल्टीज को देख के भाग जाना। टू टर्न अ डेफ ईयर, इसका मीनिंग होता है कि बेसिकली अपने कान बंद कर लेना, कोई कुछ भी कह रहा है आप मतलब एक अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना किसी पर्टिकुलर पर्सन को। अगला है टू स्नेल पेस, अब इसका मीनिंग क्या होता है कि कुछ कामों को बहुत स्लोली करना, टू डू थिंग्स वेरी इन अ स्लोली मैनर। लाइक समटाइम मतलब कोई पर्सन होते हैं कि बहुत ही स्लो मैनर में वो काम करते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक तरह के स्नेल पेस होते हैं। टू रन वन डाउन, यानी कि किसी को, किसी की आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस को बहुत ही लो कर देना, उसको आप कह सकते हैं कि उनकी एनर्जी को डाउन करना किसी को। आपने देखा टू रन वन डाउन, इसका रन वन डाउन मतलब किसी की प्रोसेसिंग को स्लो कर देना, उसके काम आप उसको बोले जा रहे हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं, तब आप किसी को क्या करें तो रन डाउन कर रहे हैं। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अब इसका मीनिंग क्या होता है, अपनी ही प्रेज करते रहना, ठीक है। टू फेस द म्यूजिक, यानी कि डिफिकल्टीज को फेस करना, आप कह सकते हैं कोई आपने ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपको कोई, आप कह सकते हैं वो जो सजा है उसको आप फेस कर रहे हैं, यानी कि कोई डिफिकल्टी आई है, आप खड़े हैं, भाग नहीं रहे वहां से, तब आप क्या करें, टू फेस द म्यूजिक। टू टेक समवन टू टास्क, यानी कि किसी को स्कोल्ड करना, यानी कि डांटना, स्कोल्ड माने होता है डांट लगाना। एट वन विट्स, यानी कि पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना। एट स्टेक, यानी कि दैट कैन बी लॉस्ट और वॉन डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, इसको आप याद करिए कि लाइक आपके, आप कह सकते हैं कुछ लॉस्ट भी हो सकता है या वॉन भी हो सकता है, बट आपका जो एक्शन है उसके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड है। टू प्ले टू द गैलरी, अब इसका मीनिंग क्या होता है, टू बिहेव इन अ एग्जेक्टेड वे टू अट्रैक्ट पीपल अटेंशन, ठीक है। लाइक सम पीपल्स होते हैं जिनको आप कह सकते हैं वो अटेंशन पाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम ये idiom यूज करते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, वो पर्टिकुलर आर्टिकल का क्या हिडन मीनिंग है, वो पैराग्राफ आपसे क्या कहना चाहता है। सिटिंग ऑन द फेंस, यानी कि हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, ठीक है। लाइक समटाइम ऐसा होता है कि दो आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो लड़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा मैं किसकी साइड लूं, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपको बहुत हेजिटेट होता है कि मैं कौन सी साइड लूं, तब हम इस idiom को यूज करते हैं, सिटिंग ऑन द फेंस। नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कि कोई भी गुड टर्म्स में ना होना, लाइक आपके पास कुछ भी ना होना, मतलब कहते हैं जिंदगी बहुत ही खराब होना, ना लव है ना पैसा है, ठीक है। टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, यानी कि अनेबल टू प्रूव और एक्सप्लेन वाई इज समथिंग रीजनेबल। तो बहुत ही ईजी वे में ये मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है। सो अगले हम डिस्कस करते हैं। अ मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए इस फ्रेज का यूज करते हैं। ब्लड रनिंग कोल्ड, इसका मीनिंग होता है बींग वेरी फ्राइटेंड, यानी कि बहुत ही डर जाना, ठीक है। प्लेइंग ऑन द गैलरी, यानी कि बी फूलिंग द कॉमन मैन। सो कम आउट ऑफ वन शेल, यानी कि टू अपियर सडनली, समटाइम्स आपको होता है कि बच्चे सडनली अपियर हो जाते हैं, ठीक है, आपके टीचर सडनली अपियर हो जाते हैं, तो कम आउट ऑफ वन शेल। सो आपने देखा होगा कि लाइक समुद्र में अगर आप नीचे जाएंगे ना, तो वो वहां पे शेल्स जो जानवर अचानक से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, लाइक टोटोवाइज होता है, वो भी अचानक से बाहर आ जाता है, अपनी शेल से बाहर आ जाता है, तो वहीं से ये idiom को लिया गया। ले डाउन आर्म्स, यानी कि किसी विक्ट्री में, मतलब आप कह सकते हैं किसी वॉर में, ठीक है, सरेंडर कर देना, ठीक है। मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स, यानी कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, तो ये आपका CPO 2010 का idiom है जो हमने लिया है। एंड लाइक
आप कह सकते हैं कि कम समटाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि सनशाइन आपने देखी है कि धूप है, ठीक है, धूप आ रही है, तो वो क्या है आपके लिए? आप कह सकते हैं कि वो हर एक पर्सन के लिए एक धूप सेकता है ना, ठीक है, धूप आती, एक तरह की पर्टिकुलर रोशनी आई और आपने उसका एडवांटेज ले लिया, वैसे ही आपने अपॉर्चुनिटी आई आपने उसको ग्रैब कर लिया। तो आपने ये इडियम आप इसको यूज करते हैं, ब्लो ऑन वंस ट्रम्पेट, ये रिपीट है, ये भी हमने डिस्कस किया। बियर विद मतलब टू बी पेशेंट विद समबडी, लाइक समटाइम्स कुछ पर्सन बहुत इरिटेट होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको बियर करते हैं, लाइक उनकी बातें सुनते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको बियर करते हैं, समटाइम्स अपने जो गुस्से को दबा के रखते हैं। गिव वेंट टू, यानी कि टू एम्फसाइज, यानी कि एम्फसाइज करना किसी पर्टिकुलर बात पे, टर्न अ डेफ ईयर भी हमने देखा। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि ये पर्टिकुलर मैटर की वजह से ये सारी लड़ाई हुई है। स्टैंड ऑन फीट, यानी कि टू बी इंडिपेंडेंट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट इनरेगुलरली ओवर हर्ट हेड एंड ईयर्स, यानी कि कंप्लीटली इस फ्रेज का मीनिंग होता है। टू कॉल इट अ डे, यानी कि टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, लाइक आपने क्या क्या प्रोसीड किया है पूरे दिन में, एंड लाइक अपनी सारी जो बातें हैं वो बताना, ये idiom तब भी यूज होता है। फ्रेज टू पुट अप विद, यानी कि टॉलरेट करना किसी पर्सन को, किसी आप कह सकते डिफिकल्ट सिचुएशन को, तब आप इस idioms एंड फ्रेज को यूज कर सकते हैं। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इन idioms एंड फ्रेजेस को उसी पर्टिकुलर थिंग की तरह यूज करें, आप idioms एंड फ्रेजेस को किसी भी सिचुएशन में लाके उनको मोल्ड करके लिख सकते हैं। लाइक आप कह सकते टू पुट अप विद, आप इस पर्सन के लिए भी थ्रू कर सकते हैं, लाइक आपकी सिचुएशन की बात करें तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो idioms एंड फ्रेजेस बहुत ही अच्छे होते हैं आपकी राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए, लाइक आप ऐसी राइटिंग करते तब आप idioms यूज कर सकते हैं। हिंदू अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जितने भी आर्टिकल्स हैं वहां पे फ्रेजेस बहुत यूज होते हैं। तो फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करना, idioms को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक क्यों आपको idioms एंड फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसका एक रीजन है। लाइक जो पर्सन लिख रहा है, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहा है, उसको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि वो अच्छी राइटिंग लिख सके, एक इम्प्रेसिव राइटिंग लिख सके। सो दैट्स वाई आपके सिलेबस में idioms एंड फ्रेजेस डाले जाते हैं। अगला जो आपका लास्ट आप कह सकते हैं स्लाइड है, उसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं शायद अगली है नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू ब्लेज अ ट्रेल, अब इसका मीनिंग होता है टू लीड द वे एज अ पायनियर, अब इसका मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लाइक समथिंग, कुछ ऐसा काम करना इस तरीके से करना जो पहले कभी ना किया गया हो, लाइक आप समथिंग कुछ इनोवेटिव करते हैं, उस काम के तरीकों को ही बदल देते हैं, तब ये idiom आपका यूज होता है। टू बीट अ रिट्रीट, यानी कि टू रन अवे इन अ फियर, तो बहुत ही इजी वे में मैंने बताया कि इसका मीनिंग क्या है। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, यानी कि अवॉइड करना। टू गेट वंस ऑन बैक टू, यानी कि अपना रिवेंज लेना किसी से। टू रन अक्रॉस टू मीट बाय अ चांस, ठीक है। अ डार्क हाउस, इसका मीनिंग क्या होता है, अन अनफॉरसीन कॉम्पिटिटर, यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक वो पर्सन को हम सोचा भी नहीं होता कि वो हमारा कॉम्पिटिटर, वो अचानक से हमारा कॉम्पिटिटर बन जाता है, यानी कि हमारे से विक्ट्री कर लेता है। पुट अप विद, यानी कि एंड्योर करना, इसका मीनिंग क्या है एंड्योर का, सफर करना लाइक पेशेंटली, लाइक समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम इंड्योर करते हैं, लाइक सफर करते हैं, तब ये idiom यूज होता है। गॉट द सैक, यानी कि डिसमिस्ड करना, ये आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर 2006 में आया हुआ है। हरकुलिंग टास्क मतलब एक वर्क जो बहुत ही आप कह सकते हैं ग्रेट एफर्ट लाइक रिक्वायर्ड करें। आपको पता है हरकुलिंग कौन था, वो पर्सन जो बहुत ही तेज ताकतवर इंसान था और बहुत ही तेज आप कह सकते हैं उसकी ताकत थी। इसके ऊपर एक और idiom है, लाइक आपका जो idiom आता है, मेरे को वो वर्ड नहीं याद आ रहा है कैसा वो idiom था, तो चलिए वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लाइक वो कहते हैं ना, एक नी के बारे में एक idiom है जिसमें वो कहते हैं बहुत ही वीक पॉइंट होता है उसमें, तो वो हम डिस्कस करेंगे। टू टेक टू द हर्ट्स, यानी कि टू ग्रीव अवर, कोल्ड कम्फर्ट का मीनिंग होता है स्लाइट सेटिस्फेक्शन। टू टेक समवन फॉर अ राइट, लाइक डिसीव करना, चीट करना किसी को, इन अ कोल्ड ब्लड हमने देखा। अ डैम स्क्वेब, यानी कि एक डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट, लाइक आपका डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट आया है, कोई पर्टिकुलर आपने टास्क किया वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ, उसको जो रिजल्ट है, जो आपके सामने आउटपुट आई है, वो एक तरह डैम स्क्वेब है। टू बाइट द डस्ट, यानी कि डिफीट करना, आपने धूल चटा दी, तो ये वहां से idiom आया है। To take to one old one hills, यानी कि run away. To be all at sea, यानी कि lost होना, confused होना। तो आपके 50 plus idioms आज हमने discuss किए, कुछ repeated थे। तो चलिए, best wishes all of you. अगला one word substitution के भी यार lecture upload हो
करती हूँ मैं, वेट करिए. आई थिंक मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही बिजी चल रही है, तो आपकी ग्रामर सीरीज भी चल रही है, प्लस ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी चल रहा है, एंड लाइक इडियम्स एंड फ्रेजेस भी चल रहे हैं. तो प्लीज़ अलाउ मी सम टाइम, आई विल अपलोड रियली. मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करती हूँ. ये इनकम्प्लीट नहीं होगा कोई भी कोर्स, यानी कि टाइम दीजिए, इसको कम्प्लीट कर दिया जाएगा. सो बेस्ट विशेज, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ रेट करिएगा, रिकमेंड करिएगा इस कोर्स को अगर आप इसको लाइक करते हैं. बाय बाय, थैंक यू.